अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड को आज हमने डिस्कस करना है। बेसिकली जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। इन दोनों में फ़र्क करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे चले जाएं तो हमारे पास रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड की बात करें ना, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये दो तरह के रिएक्शन दे रहे होते हैं अल्काइल हैलाइड। पहला रिएक्शन है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बाद है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं प्रॉपर वर्ड लिखूं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, आज हमने सेकेंड रिएक्शन को डिस्कस करना है, इस रिएक्शन को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। देखो वर्ड पर गौर करो, सब्स्टिट्यूशन से एस लो, न्यूक्लियोफिलिक से एन लो। इसको हम एस एन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या नाम दे रहे थे? एस एन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस लेक्चर में हम न्यूक्लियोफाइल को पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? कि ऐसी चीज जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो, मतलब उसके ऊपर खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। और सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिप्लेसमेंट। मतलब हमने इस रिएक्शन में एक नेगेटिव चीज की जगह पे एक और नेगेटिव चीज ला के लगानी है और उस नेगेटिव चीज को वहां से निकाल देना। मसलन मेरे पास यहां पे एक नेगेटिव चीज लगी होगी, पीछे से इससे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा, पीछे से इससे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इस वीकर न्यूक्लियोफाइल को यहां से निकाल देगा और खुद आके इसकी जगह पे लग जाएगा। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम दे रहे होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, एक जो ताकतवर न्यूक्लियोफाइल है, इज रिप्लेस द वीकर न्यूक्लियोफाइल, वो वीकर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे। इस तरह के रिएक्शन को क्या नाम दे रहे होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखिएगा, अगर रिप्लेसमेंट चाहते हैं ना, देखो ये है हमारे पास नेगेटिव चार्ज और ये है कोई बड़े वाला नेगेटिव चार्ज। हमेशा कोई बड़े वाला नेगेटिव चार्ज छोटे वाले नेगेटिव चार्ज को रिप्लेस कर सकता है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एक ताकतवर इंसान है, एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा कुर्सी के ऊपर बैठा है, सही है? तो अब कुर्सी के ऊपर वो छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है तो एक बड़े वाला इंसान आता है, अब उसको कहेगा यहां से उठो। अब वो अगर नहीं भी उठता ना, उसको पकड़ के बाजू से उठा के नीचे कर देगा, क्योंकि ताकत तो जो जोर है वो ताकतवर का चलना है, सही? वो क्या करेगा? इसको उठा के खुद यहां बैठ जाएगा। अगर इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो, यहां पे पहले ही कोई बड़े वाला बैठा हो और पीछे कोई बच्चा आया हो, कह जी यहां उठो, वो अगर नहीं भी उठता तो ये क्या कर लेगा यहां से? और नहीं भी उठता तो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकेगा। मतलब हमेशा रिप्लेसमेंट, जो पीछे से आने वाली चीज होती है वो स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। अगर वीकर हुई तो रिप्लेसमेंट नहीं होगी, अगर वीकर हुई तो रिप्लेसमेंट नहीं होगी। ये बात आपने एक जहन में बिठा लेनी है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की आगे मजीद दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स। एक है SN1 रिएक्शन और एक है SN2 रिएक्शन। अब वर्डिंग पे गौर करोगे ना, एस से मुराद क्या है? सब्स्टिट्यूशन। एन से मुराद है न्यूक्लियोफिलिक। वन से मुराद है यूनिमोलिक्यूलर और टू से मुराद है बाईमोलिक्यूलर। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, एक है जी SN1 रिएक्शन, एक है SN2 रिएक्शन। बेसिकली आज हमने SN1 और SN2 रिएक्शन में फर्क करना है। ये बेसिकली थोड़ा सा ना पीछे से हमने इंट्रोडक्शन किया, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते कौन से हैं। अब बात करते हैं हमारे पास जो मेन टॉपिक है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। देखो हमारे पास पहले इस पूरे लफ्ज का ना फुल फॉर्म लिखेंगे। SN1 इज द न्यूक्लियोफिलिक SM राद क्या? सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। वन से मुराद क्या है? मोलिक्यूलर रिएक्शन।
अब अगर मैं यहां बात करता हूं तो SN2 का मतलब क्या है? SN2, SN2 इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाई मोलिकुलर रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बाई मोलिकुलर रिएक्शंस। अच्छा, अब इसने ये दो टाइप्स बनाई किस बेस पे? अब ऐसा रिएक्शन जिसमें, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड होते हैं कौन सी चीजें, जिसमें सी एक्स बॉन्ड हो, सी एक्स बॉन्ड हो। अगर देखो जी हमारे पास क्या होता है, पहले सी एक्स बॉन्ड टूटेगा, इसके बाद एक नया न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा, यानी कि सी एक्स बॉन्ड टूटेगा, ये सी और एक्स लैदा होंगे और फिर जाके हमारे पास सी के साथ एन यू आके जुड़ेगा, एक नया न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। पहले क्या हुआ जी, सी एक्स बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद ये दोनों की दोनों चीजें सी और एक्स लैदा हुए, फिर सी के साथ क्या चीज आके जुड़ गई, न्यूक्लियोफाइल। इस चीज को हम नाम दे रहे थे सब्स्टिट्यूशन, कि एक चीज निकली है यहां से और दूसरी चीज उसकी जगह पे आके लग रही है। अब यहां पे ना, अगर सी एक्स बॉन्ड ब्रेकिंग और सी एन यू बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप हो, यानी पहले सी एक्स बॉन्ड टूटे फिर सी एन यू बॉन्ड बने, इस तरह के रिएक्शन को हम नाम दे रहे होते हैं एस एन वन रिएक्शन। दोज रिएक्शन, प्रॉपर डेफिनेशन ये वाली है एस एन वन रिएक्शन की, दोज रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन इन विच जिसमें सी एक्स बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट, सी एक्स बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट। पहले आपका सी एक्स बॉन्ड टूटेगा, या आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह टूटता है, मैकेनिज्म वगैरह लिखेंगे। सी एक्स बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट एंड देन, और फिर क्या होता है, एंड देन सी एन यू बॉन्ड फॉर्म, सी एन यू बॉन्ड फॉर्म, तो सी एन यू बॉन्ड बन जाता है। इस चीज के रिएक्शन को हम नाम दे रहे थे दोज रिएक्शन इन विच सी एक्स बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट एंड देन सी एन यू बॉन्ड फॉर्म इज कॉल्ड एस एन वन रिएक्शन। देखो इसमें मैंने बात किया, पहले सी एक्स बॉन्ड टूटेगा फिर सी एन यू बॉन्ड बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, बिल्कुल इसका ऑपोजिट, इसमें क्या होता है जी, सी एक्स बॉन्ड साथ साथ टूटता रहता है और सी एन यू बॉन्ड साथ साथ बनता रहता है। इसमें क्या होता है, पहले टूटता था फिर बनता था, यहां पे क्या है कि हमारे पास साथ साथ बॉन्ड टूटेगा और साथ साथ बॉन्ड नया बनता रहता है, भाई यही फर्क है हमारे पास। दोज रिएक्शन इन विच ऐसे रिएक्शन जिसमें सी एक्स बॉन्ड ब्रेकिंग एंड सी एन यू बॉन्ड फॉर्मेशन, सी एन यू यानी कि कार्बन न्यूक्लियोफाइल जो बॉन्ड बनता है, सी एन यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, ये हो टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, इसको हम नाम दे रहे थे कॉल्ड SN2 रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें CX बॉन्ड साथ साथ टूटे और CNU बॉन्ड साथ साथ जुड़े या बॉन्ड बने, इस तरह के रिएक्शन को SN2 रिएक्शन का नाम दे रहे हैं। बच्चे इसके बाद हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो रिएक्शन और मैकेनिज्म। बच्चे सारी चीजें बेशक आप स्किप कर सकते हैं, कोई भी चीज स्किप कर सकते हैं, बेसिकली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिएक्शन है मैकेनिज्म। अगर वो दो चीजें समझे, बाकी सारी चीजें भी आप उसके देख देख के लिख लोगे। चलो अब बात कर लेते हैं रिएक्शन की। बच्चे अगर रिएक्शन की बात करो ना, ये हमारे पास रिएक्शन है, इसमें आपने ना टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेना है। ये मेरे पास ना एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, इसका रिएक्शन मैंने करवाना है के ओ एच के साथ, और ये के ओ एच अमूमन जो यूज कर रहे थे अल्कोहलिक के ओ एच होता है। सही, वैसे आपको चाहिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे ही रिएक्शन करवाओगे आपका ये वाला एक्स यहाँ से उतरेगा, ये वाली चीज जाकर उसकी जगह पर लग जाएगी और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3, और यहाँ पे हमारे पास लग जाएगा OH। देखो ये वाली चीज जो उतरेगी इसके साथ मिलेगी, बन जाएगा KX। अब ना यहाँ पे SN2 रिएक्शन में
रिएक्शन सेम है, सिर्फ आपने ये वाले अल्काइल हैलाइड की जगह पे लेना है आपने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, कौन सा लेना है, CH3 CH2X plus KOH। जैसे रिएक्शन करवाओगे हमारे पास ये वाला OH उतरना, ये जाके इसकी जगह पे जुड़ेगा CH3 CH2, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा OH और साथ में हमारे पास बनेगा KX। ये हमारे पास आ गया जिसका रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बच्चे, वो है हमारे पास मैकेनिज्म। बच्चे मैकेनिज्म लाजमी लाजमी तौर पे करना है, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैकेनिज्म, अगर मैं कहता हूँ मैकेनिज्म आ जाता है ना बच्चे को, बाकी नीचे वाले सारी की सारी चीज़ें लिख लेगा। चेक कीजिएगा मैकेनिज्म, इस रिएक्शन के पहले मैकेनिज्म लिखेंगे। देखो हमारे पास ना ये वाली जो चीज़ है ये है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, इसमें यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है X। पहले स्टेप में ये स्लो स्टेप होता है, ये क्या होता है हमारे पास स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम दे रहे होते हैं। स्लो स्टेप को याद रखिए, स्लो स्टेप इज आल्सो नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि पूरे पूरे केमिकल रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप ही डिटरमिन कर रहा होता है। देखो पहले स्टेप में क्या होता है, ये X उतरेगा, ये दोनों के दरमियान में जो बॉन्ड है ना CX के दरमियान बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। टूटने के बाद हमारे पास जो चीज बनती है वो ये वाली होगी CH3 CH3। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, इस कार्बन पे आप पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो हैलोजन होता है ये यहां से अपने दो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है, कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दैट्स व्हाई इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। सही है, अब ये जो चीज बनी है इसको नाम दे रहे थे कार्बो कैटाइन। देखो कार्बो का मतलब है कार्बन, कैटाइन का मतलब आपको पता है, एक होता है एनायन एक होता है कैटाइन, कैटाइन में पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कार्बो कैटाइन, इसलिए हमारे पास क्या कहलाता है कार्बो कैटाइन। इसके बाद देखो ये वाला हमारे पास है स्टेप वन, ये क्या स्टेप वन, अब आपने इसी चीज को दोबारा लेना है, ये क्या हमारे पास होगा स्टेप टू। देखो ये वाली जो चीज आई है ना, हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पे CH3 CH3 CH3, और यहाँ प्लस चार्ज है। देखो आपका OH नेगेटिव, देखो पहले एक न्यूक्लियोफाइल निकला है, मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन सी चीज होती है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, पहले एक न्यूक्लियोफाइल निकला है, अब दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ने लगा, ये वाली चीज अटैक करती है इस चीज के ऊपर और ये आके इसके साथ जुड़ जाता है, और इसके नतीजे हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है CH3 CH3 CH3, और यहां पे हमारे पास आके OH लग जाएगा। थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख लीजिएगा, चलिए जी ले जी। देखो हमारे पास इसके ऊपर आप डेफिनेशन पर गौर करके, हमने पहले लिखा था CX बॉन्ड टूटता है फिर CNU न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनता है, पहले यहाँ से कार्बन और हैलोजन के दरमियान बॉन्ड टूटा है, फिर कार्बन और न्यूक्लियोफाइल, इसको हम न्यूक्लियोफाइल का नाम दे रहे, क्यों न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कौन सा है नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बना, ये हमारे पास क्या है स्टेप नंबर सेकंड। अच्छा ये जो कार्बोकैटायन बनता है ना, याद रखिएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 hybridization, ये याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि यहां पे क्या होता है जब स्टेप नंबर वन में आपका कार्बो कैटाइन बनता है तो आपके कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने का तरीका आसान ये होता है कि अगर तो कार्बन के साथ चार चीजें लगी हो ना और उसकी स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, तो वो चीज होती है sp3 हाइब्रिडाइज। अगर किसी चीज की स्ट्रक्चर ट्राई एंगुलर प्लेनर हो तो वो चीज होती है sp2 हाइब्रिडाइज, क्या होती है sp2 हाइब्रिडाइज। अच्छा अब इसके बाद आओ यहां पे, इसका काम आसान है थोड़ा सा, ये चेक कीजिएगा हमारे पास ना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है CH3, कोई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लो। देखो यहां पे मैं क्या करता हूं, एक एच यहां पे और यहां पे हमारे पास लगा हुआ है कोई भी क्लोरीन लगा देता हूं, सपोज किया हमारे पास क्या लगा हुआ है क्लोरीन। अब होता क्या है कि जब ये OH नेगेटिव
यानी कि ये क्या हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर, देखो इसके ऊपर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये कोशिश करेगा कि मैं जाकर जुड़ू पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ये वाली चीज अब अटैक करती है इसके साथ। और यहां पे हमारे पास जो दरमियान में इंटरमीडिएट चीज बनती है वो इस तरह होती है कि आपका OH आके इसके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है, और यहां पे जो Cl बॉन्ड है ये टूटना शुरू हो जाएगा, बाकी तीन के तीन हाइड्रोजन आपने इसके साथ इस तरह लगा देने होते हैं। चेक करो ये वाली चीज का बॉन्ड, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना शुरू हो गया, और सी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपस में टूटना शुरू हो गया। ये जो डॉटेड लाइन होती है ना, इसका मतलब ये है कि ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो गया, बनना शुरू हो गया, यानी कि दरमियान वाले इंटरमीडिएट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं। इसके बाद क्या होता है जी आपका नेक्स्ट स्टेप में, ये वाला Cl यहां से उतर जाता है और OH आके यहां पर लग जाता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये वाला होता है, प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा, और साथ में हमारे पास बनेगा Cl नेगेटिव। बच्चे ये हमारे पास मैकेनिज्म मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसमें जो मेन मेन बातें याद रखनी है बच्चे, स्टेप वन स्टेप टू, दो स्टेप पे रिएक्शन जो होता है वो होता है SN1 रिएक्शन का और SN2 रिएक्शन का, स्टेप होता है जी एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट, एक ही स्टेप में रिएक्शन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है, बस ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा आप ना एक बात को समझिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां पे ना इसके पहले केस बात कर लेते हैं, यहां मैं लिखूंगा नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि यहां पे नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या होती है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की नेचर कैसी होगी बच्चे, यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है ना वो हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन रहा होता है या इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा होता है, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इन्वर्जन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना तो हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। अच्छा इन्वर्जन का मतलब होता है उल्ट, इन्वर्जन का मतलब क्या है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है उल्ट, एक किससे बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड होता है रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब है जैसा पहले है वैसे का वैसा ही बाद में होगा, जैसा पहले है वैसे का वैसा ही बाद में होता है, सही है। तो अब ना यहां पे जो बेसिकली चीजें आपने याद रखनी है, यहां पर चेक करो, यहां पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, यहां पे गौर कीजिएगा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये वाला क्या लगा हुआ है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, पहले न्यूक्लियोफाइल इस साइड पे लगा हुआ था राइट साइड पे, लेकिन जो नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो किस साइड पे लगा है, लेफ्ट साइड पे, पहले राइट साइड पे था अब कहां पे, लेफ्ट साइड पे, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट हो गई है, क्या हो गया नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट हो गई है, सही ये बात आपने याद रखनी है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट यहां पे क्या हो गई है डिफरेंट हो गई है, मतलब पहले राइट पे था न्यूक्लियोफाइल अब लेफ्ट पे हो गया इस लिहाज से। लेकिन यहां बात करो क्यों वहां पे बच्चे इस तरह हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट क्यों बनता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना ये हमेशा जहां से न्यूक्लियोफाइल उतरना होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड से आके अटैक करता है, बिल्कुल ऑपोजिट साइड से आके जुड़ रहा होता है। अब ऑपोजिट साइड से क्यों आगे जुड़ रहा होता है, रीजन पूछ सकते हो कोई बंदा, देखो रीजन ये होगी कि देखो ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन के साथ लगे हुए तीन हाइड्रोजन, और जो क्लोरीन का साइज होता है ना वो थोड़ा सा होता है बड़ा, क्लोरीन का साइज क्या होता है बड़ा, और जो OH आ रहा होता है इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसको यहां से आके जुड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन यहां से आके जुड़ने में दिक्कत नहीं होती, इसलिए हमारे पास जो हमेशा प्रोडक्ट बनता है वो इन्वर्जन प्रोडक्ट बन रहा होता है। अच्छा इसके बाद यहां पे ना आपका रिटेंशन प्रोडक्ट बन सकता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट मे बी ये 50% कर लो, मे बी ना करो 50, द प्रोडक्ट इज 50% इज 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन प्रोडक्ट एंड 50% रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन प्रोडक्ट, और 50% कौन सा होता है रिटेंशन प्रोडक्ट, जरा गौर कीजिएगा हमारे पास ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ना इस पर आप नजर रखनी है, ये वाला बना था ये वाला CH3 इसके ऊपर चार्ज है प्लस,
अब जो OH नेगेटिव है ना, OH नेगेटिव, ये वाला इस साइड से भी आकर अटैक कर सकता है, ये वाला इस साइड से भी आकर अटैक कर सकता है, दोनों साइडों से आकर अटैक कर सकता है, सही है। देखो हमारे पास जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो आपका पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपका प्रोडक्ट बने इस तरह का, OH इस साइड पे आकर लग जाए, OH आकर लग जाए इस साइड पे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, जो OH है वो आके लग जाए इस साइड में, सी यहां पे एक CH3 लगाऊंगा, एक CH3 यहां पे, एक CH3 यहां पे, एक OH आके, देखो अगर तो इस साइड पे आग लगता है, देखो पहले आपका हैलोजन लगा हुआ था इस प्रोडक्ट में इस साइड पे, अगर तो इसी साइड पे आग लगता है, जिस साइड से हैलोजन आपका उतरा है उसी साइड पे आग लग रहा है, तो इस प्रोडक्ट को हम नाम दे रहे होते हैं रिटेंशन प्रोडक्ट, मतलब रिटेंशन का मतलब कायम रहना, मतलब जैसा पहले था वैसे का वैसा ही लास्ट में बना है, अगर उसको ऑपोजिट साइड पे आग लगता है तो हमारे पास इन्वर्जन होगा, तो 50-50% चांस होते हैं बच्चे। इसके बाद इसके ना मोलिकुलरिटी चेक करो, मोलिक्यू लैरिटी, अच्छा मॉलिक्यूलरिटी होती है स्लोएस्ट स्टेप में, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, ये इसकी क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी। बट इस रिएक्शन की अगर मॉलिक्यूलरिटी देखो ना, स्लो स्टेप में एक हिस्सा ले रहा है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज वन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होगी इज वन, यहां पे रिएक्शन के अंदर दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, सो मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी टू, रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज टू, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी दो होगी। अच्छा मॉलिक्यूलरिटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो होगी, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चे स्लो स्टेप पे जितना मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सारे का सारा यानी कि रिएक्शन की स्पीड है वो सारी की सारी डिपेंड कर रही है इस स्टेप पे, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहां पे एस एन वन के अंदर वन ही होता है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का ऑर्डर है या रिएक्शन की स्पीड है वो होती है इज वन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा होता है के इनटू अल्काइल हैलाइड क्या आपके अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन कितनी है उसके ऊपर टोटली का टोटली रेट डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर अगर देखोगे ना दो चीज़ों पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ये कितनी है और ये कितनी है, अगर दोनों ज़्यादा होंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास होगा टू, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज टू, सो के इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इन टू अल्काइल हैलाइड, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है ना वो डिपेंड करती है अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे और इन टू न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही होती है, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा इसके बाद हमारे पास ये स्टेप ऑफ रिएक्शन कितने है इसमें, यहाँ पर देख लो जी एक ही स्टेप में सारे के सारे रिएक्शन हुआ है, यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन हो रहा था, सही, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, ये दो स्टेप रिएक्शन होता है और जबकि एक ही स्टेप में हो रहा है रिएक्शन, सो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। बच्चे इसके बाद हम बात कर रहे थे अल्काइल हैलाइड की, अगर इसमें बात करूं ना, इसमें बच्चे इसमें हम यूजली यूज करते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है ना एसएन वन रिएक्शन देते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एसएन टू रिएक्शन देते हैं, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड गिव एसएन वन रिएक्शन और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दे रहे होते हैं एसएन वन
रिएक्शन, एसएन वन रिएक्शन दे रहे होते हैं, सॉरी यहाँ पे एसएन टू आना है, एसएन टू रिएक्शन। अच्छा इसके बाद लास्ट वाली चीज़ हमने लिखनी है बच्चे, अगर इसकी बात करूँ ना, एसएन वन रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं, कौन से सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, सॉल्वेंट्स आर यूज्ड इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस रिएक्शन में नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स को इस्तेमाल किया जाता है इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे यहाँ पोलर सॉल्वेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बन रहा होता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए यहाँ पे कोई ना कोई पोलर सॉल्वेंट का मसला, हमारे पास अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर का ऑक्सीजन आके इस साइड की तरफ, इसके ऊपर ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया इसको थोड़ा बहुत कम कर देता है, सही है। तो इसके अलावा ना एक और भी चीज़ याद रखिएगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एसएन वन रिएक्शन क्यों देते हैं, प्राइमरी क्यों नहीं दे सकते, यहाँ पर ये होता है ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, अनस्टेबल होती है, बनता ही नहीं है। अब होता यह है कि जब पॉजिटिव चार्ज बन जाता है तो आपके ऊपर वाले जो CH3 होता है ना ग्रुप, ये आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप, जो CH3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन दे के इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बहुत कम कर देता है, इस पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, थोड़ा बहुत कम कर देगा, इसलिए हमारे पास हो रहा होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, हमारे पास एसएन वन रिएक्शन दे रहे होते हैं। अच्छा बच्चे अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एसएन वन रिएक्शन आता है तो बच्चे सारी चीज़ें हेडिंग वगैरह बना के इस साइड में, यानी कि डेफिनेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म, प्रोडक्ट, ये सारी की सारी चीज़ एक साइड पर, और एसएन टू रिएक्शन अगर आता है तो सारी चीज़ें एक साइड पर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो आपका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है, ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पास में बड़ी दफ़ा आ चुका है, ये हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।